हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास टू इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 7 जेंडर मेल और फीमेल के बारे में रीडिंग कराऊंगी। ओके, हियर आर फोर जेंडर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर फोर होते हैं। फर्स्टली मैस्कुलाइन जेंडर, जो इफ़ अ नाउन इज अ लिविंग बींग, जो लिविंग बींग होते हैं, एंड अ मेल, जो मेल होते हैं, इट इज कॉल्ड अ मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे बॉय, मैन, ये हमारे मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं। फीमेल जेंडर, लिविंग बींग एंड फीमेल, जो फीमेल होते हैं और लिविंग होने चाहिए, जो सांस ले सकते हैं और फीमेल होने चाहिए, वो हमारे फीमेल जेंडर होते हैं। जैसे गर्ल, वूमन, ओके, डॉटर, बेटी। और कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर इफ अ नाउन इज अ लिविंग बींग या कैन आइदर और मेल या फीमेल, इट इज कॉल्ड अ कॉमन जेंडर। जैसे जो लेडीज मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, वो हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। जैसे डॉक्टर लेडीज भी हो सकती है और जेंट्स भी। टीचर हमारे जो हमारा स्कूल है उसमें लेडीज भी होगी और जेंट्स भी होगा, तो वो हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। न्यूट्रल जेंडर, इट इज नाउन इज अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जिनकी लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जैसे पेंसिल, दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, जो चीज़ें सांस नहीं लेती। बुक, टेबल, ये हमारे न्यूट्रल जेंडर होते हैं। राइट, एम फॉर मैस्कुलाइन जेंडर, एफ फॉर फीमेल जेंडर, सी फॉर कॉमन जेंडर एंड एन फॉर न्यूट्रल जेंडर। फर्स्टली बीच, बीच हमारा कुतिया फीमेल जेंडर। गूज फीमेल जेंडर, सन मेल, टेबल न्यूट्रल बिकॉज दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग, सर मेल, ग्रैंडफादर मेल, लोनेस फीमेल, सेरनी ये हमारी फीमेल है। पेंसिल इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो इट इज अ न्यूट्रल जेंडर। टीचर इज कॉमन जेंडर। नाइस फीमेल, भतीजी फीमेल जेंडर। ड्रेक मेल जेंडर। नोवा, नोवल इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो इट इज अ न्यूट्रल जेंडर। चाइल्ड बच्चा कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, तो सो दिस इज अ कॉमन जेंडर। होस्ट, होस्टेस, तो होस्ट इज मेल जेंडर। कैप इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो इट इज अ न्यूट्रल जेंडर। डॉक्टर मेल एंड फीमेल, सो इट इज अ कॉमन जेंडर। एक्ट्रेस हीरोइन, एक्ट्रेस एक्टर, एक्ट्रेस फीमेल जेंडर। हॉर्स मेयर इज अ फीमेल जेंडर। पोइटेस पोइटेस कवि कवित्री इज अ फीमेल जेंडर। वाइफ हस्बैंड वाइफ इज अ फीमेल जेंडर। खिलाड़ी प्लेयर कॉमन जेंडर बिकॉज मेल या फीमेल। ओके, ऑथर भी मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, सो दिस इज अ कॉमन जेंडर। पेंट इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो दिस इज अ न्यूट्रल जेंडर। बॉय इज अ मेल जेंडर। आगे देखिए, हमें पुट इच वर्ड इन द राइट कॉलम, राइट कॉलम में लिखना है। लैंडलॉर्ड इज अ मैस्कुलाइन जेंडर। हैन इज हमारा फीमेल जेंडर। कुक हैन इज अ फीमेल जेंडर। लैंडलेडी इज अ फीमेल जेंडर। डेस्क इज अ न्यूट्रल जेंडर बिकॉज दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग। पेंसिल इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो दिस इज अ न्यूट्रल जेंडर। डॉग इज अ मेल जेंडर। ओके, मैन इज अ मेल जेंडर। चाक इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो वी राइट हियर। ब्रदर इज अ मेल जेंडर। आंट इज अ फीमेल जेंडर। पीहन इज अ फीमेल जेंडर। प्रिंसिज राजकुमारी इज अ फीमेल जेंडर। लेडी इज अ फीमेल जेंडर। क्वीन इज अ फीमेल जेंडर। रानी किंग क्वीन इज अ फीमेल जेंडर। काउ बुल काउ इज अ फीमेल जेंडर। कुक इज अ मेल जेंडर। कुक हैन मुर्गा मुर्गी। किंग इज अ मेल जेंडर। किंग क्वीन किंग राजा एक आदमी होता है, सो दिस इज अ मेल जेंडर। बुक इज अ न्यूट्रल जेंडर बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। रिंग इज अ न्यूट्रल जेंडर बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। बिस्किट इज अ नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल जेंडर। होस्ट इज अ मेल जेंडर। मिल्क मैन मेल जेंडर एंड मिल्क मेड फीमेल जेंडर। टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, सो दिस इज अ न्यूट्रल जेंडर। फादर इज अ मेल जेंडर। पिता एक मेल जेंडर है। फाइल इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो दिस इज अ न्यूट्रल जेंडर। बोटल इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो इट इज अ न्यूट्रल जेंडर। रैड इज अ मेल जेंडर। बुल काउ बुल काउ। ओके, फोक्स विक्सन
लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, कुक हैन, जेंटलमैन लेडी, हॉर्स मेयर, अंकल आंट, सन डॉटर, डक डक, द काउ एंड ओक्स लिव इन द शेड, काउ और ओक्स शेड छाया में रहते हैं, मतलब जो ये शेड बन होते हैं, जो इनके रहने का स्पेस प्लेस होता है उसको शेड कहते हैं। द मास्टर एंड मिस्ट्रेस वेंट टू द जू, माय बॉय एंड द माय गर्ल हैव अ बुक इन देयर बैग, द बॉय एंड द गर्ल हैव अ बुक इन देयर बैग, द मिल्क मैन एंड द मिल्क मेड आर ऑन द बाइसाइकिल, द किंग एंड द क्वीन सेट ऑन द थ्रोन, राजा रानी थ्रोन पर बैठे थे, मदर गेव टू हर सन एंड डॉटर फूड टू ईट, मदर अपने बेटे और बेटी को खाने के लिए भोजन देती है। आगे देखिए, री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग फीमेल जेंडर, आर टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स, आर टाइग्रेस, टाइगर का टाइग्रेस हैज ब्लैक स्ट्राइप्स, जो टाइग्रेस होती है शेरनी होती है उसके मतलब जो बॉडी होती है उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं, अवर मिस्ट्रेस इज काइंड, जो हमारी मिस्ट्रेस है वो बहुत ही दयालु है, जो हमारी मैम है, टू गेव एन अवार्ड, द डचेस गेव एन अवार्ड, द वेटर विल सर्व अस फूड, द वेट्रेस विल सर्व अस फूड, वेट्रेस हमें फूड सर्व करेगी, दैट एक्टर इज वेरी गुड, दैट एक्ट्रेस इज वेरी गुड, द जायंट आफ्टर चेक, द जायंट्स रेन आफ्टर चेक, ओके ओके, नाइस डे।